कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर 27 अक्टूबर को दूसरी लिस्ट जारी कर दी और इसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत 45 लोगों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया है। राज्य के हैदराबाद शहर की जुबली हिल्स सीट से मोहम्मद अजहरुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पूर्व सांसद मधु गौड़ याक्षी को लाल बहादुर नगर सीट से टिकट दिया गया है। वहीं केसीआर के सामने सिद्धिपीठ सीट से पुजाला हरिकृष्ण को कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके अलावा के राजगोपाल रेड्डी को मन्नू गोडे और मुरली नाइक को महबूबाबाद और रॉबिन रेड्डी को अंबरपेट से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। पार्टी तेलंगाना की 119 सीटों में से 100 पर उम्मीदवार खड़ी कर चुकी है। राज्य के सभी सीटों को लेकर एक ही फेज में चुनाव होने हैं और वो 30 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं मतों की गिनती 3 दिसंबर को होनी है। लेकिन इस सब के बीच में एक फेज जिसकी चर्चा खूब हो रही है, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी बार बार रैली करते हैं और ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर तेलंगाना में कर्नाटक के जैसी सरकार बनी तो तेलंगाना में जो कांग्रेस ने 6 वादे किए उसे कांग्रेस पहली कलम से पूरी करेगी। लेकिन बात अगर मोहम्मद अजहरुद्दीन की करें तो एक फिल्म आई थी अजहर। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन के जीवन पर बनी बॉलीवुड की ये फिल्म है। इसका निर्माण एकता कपूर और शोभा कपूर ने किया। लेकिन इस फिल्म को लेकर काफी सारे फैक्ट हैं और उनके जीवन को लेकर भी काफी सारे फैक्ट सामने आए। अजहर की सफलता और पतन की कहानी किसी फिल्मी हीरो की तरह है। जिस शख्स की जिंदगी की कहानी फिल्मी सरीखे लगे, उसके जीवन पर अगर फिल्म न बने तो शायद ये बॉलीवुड की विफलता होगी। शायद इसलिए बॉलीवुड ने भारतीय क्रिकेट के सबसे विवादास्पद क्रिकेटर की जिंदगी पर यह फिल्म बना ली। अजहर पर बनी बायोपिक का नाम अजहर और इसमें अजहर का रोल यानी कि लीड हीरो का रोल निभाया एक्टर इमरान हाशमी ने। साल 2000 में मैच फिक्सिंग कांड में मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम आने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया। इसी के साथ अजहर की शानदार क्रिकेट करियर का भी अंत हो गया। हालांकि अजहर ने इस बैन के खिलाफ काफी लंबी लड़ाई लड़ी और 2012 में उन्हें इससे जीत भी मिली। 12 साल की लड़ाई के बाद उन पर लगा बैन हटा लिया गया, लेकिन तब तक वक्त हाथ से फिसल चुका था। मोहम्मद अजहरुद्दीन पर फिक्सिंग का आरोप खुद फिक्सिंग में फंसे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैंसी क्रोनिये ने लगाया था। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर ने भी अजहर पर फिक्सिंग का आरोप लगाया था। अजहर का नाम इसके बाद अंडरवर्ल्ड के साथ भी जुड़ने लगा, इससे उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया। अजहरुद्दीन ने अमेरिकी मूल की सेनन मेरी नाम की महिला से शादी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संगीता बिजलानी से तलाक के बाद अजहरुद्दीन सेनन के साथ रह रहे थे और उनसे बाद में शादी कर ली। अजहरुद्दीन का पहला निकाह हैदराबाद की नौरीना से हुआ था। बॉलीवुड एक्ट्रेस संगीता बिजलानी के नाम जुड़ने के बाद दोनों का 1996 में तलाक भी हो गया। इसके बाद संगीता बिजलानी से ही नजदीकियां बढ़ने लगी और 1996 में अजहर और संगीता की शादी हुई। साल 2010 में दोनों का तलाक हो गया। संगीता बिजलानी अजहरुद्दीन से पहले बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के नजदीक भी थी। तलाक के बाद संगीता कई जगहों पर सलमान के साथ भी देखी गई थी। हालांकि 2010 में अजहरुद्दीन का नाम बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा के साथ भी जुड़ चुका था और अजहरुद्दीन को हाथों का जादूगर भी कहा जाता है। लेकिन उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए और उनकी जिंदगी भी काफ़ी विवादास्पद रही। अजहरुद्दीन जिस दौर में क्रिकेट खेलते थे, फील्डर और तेजी से सिंगल बनाने में खिलाड़ियों की अहमियत को आज की तरह नहीं माना जाता था। उस दौर में अजहरुद्दीन को मैदान पर देखना दर्शकों के लिए रोमांचक अनुभव होता था। वह तेजी से सिंगल लेने वाले खिलाड़ियों में शामिल थे। उन्होंने गली, पॉइंट, स्लीप जहां भी फील्डिंग की वहां बेहतरीन और अविश्वसनीय लगने वाले कैच भी पकड़े। मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज के लिए अक्सर कमेंटेटर उन्हें चीते जैसे ही फुर्ती वाला खिलाड़ी भी कहते थे। अजहरुद्दीन और सानिया मिर्जा आपस में रिश्तेदार भी हैं। दोनों हैदराबाद शहर से ही हैं और इनके अलावा अजहर के बेटे से सानिया की बहन अनम का विवाह भी हुआ है। सानिया के टेनिस करियर से संन्यास लेने के फैसले के बाद उन्होंने ट्वीट कर सानिया को भविष्य के लिए बधाई भी दी थी। दोनों को अक्सर कई कार्यक्रमों में साथ भी देखा जाता रहा है।
साल 2009 में अजहरुद्दीन कांग्रेस में शामिल हुए थे और 2009 में कांग्रेस की मुरादाबाद से प्रत्याशी उन्हें बनाया था। कांग्रेस ने मुरादाबाद में अजहर पर बाहरी होने का ठप्पा भी लगा था, लेकिन इसके बाद भी अपनी लोकप्रियता के बल पर वह चुनाव जीत गए थे। चुनाव जीतने के बाद उन पर मुरादाबाद में कम आने और वहां के लोगों की उपेक्षा करने का आरोप लगा था। इसके बाद 2014 में उन्होंने मेरठ और मुरादाबाद दोनों जगह से रायशुमारी कराई थी, लेकिन मेरठ से सीने तारिका नगमा के आने से वह पीछे हट गए थे और वह तब मुरादाबाद से भी चुनाव नहीं लड़े और दूसरे प्रदेश में किस्मत आजमाई थी। हालांकि नगमा और अजहरुद्दीन दोनों को इस चुनाव में हार मिली थी। 2018 चुनाव में जो बीआरएस जो तब की तत्कालीन टीआरएस थी को बहुमत मिला और बीआरएस ने 119 सीटों में 88 सीटों पर जीत दर्ज की थी और वहीं कांग्रेस को 19 सीटों पर ही सिमटना पड़ा था। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी के ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल की थी। आपको ये भी बता दें कि इस समय राज्य में KCR के नेतृत्व में बीआरएस की सरकार है और विधानसभा चुनाव भी है और इस वक्त कांग्रेस यह दावा कर रही है कि तेलंगाना में अब की बार उसकी सरकार बनेगी, लेकिन देखने वाली दिलचस्प बात तो ये होगी कि तेलंगाना में कांग्रेस अपनी सरकार बना पाती है या बीआरएस अपनी सरकार को सत्ता में कायम रखती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।